मैं अगले 100 दिनों में एक बहुत बड़ा किला बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग करेंगे और बहुत कुछ चीजें होगी, वो भी सर्वाइवल विलेज के अंदर। तो काफी मजा आएगा इस चैलेंज में। तो लेट्स सी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट पहले यार वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ अगर आप हमारे साथ अगली वीडियो में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, बट इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस। वेल गेम हो चुका स्टार्ट और मैं ऐसी जगह स्पोन हुआ जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट जमीन मेरे को दिख रही। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा अपना घर बना सकता हूँ। भाई पहली बार मेरी किस्मत अच्छी निकली, टाइम काफी कम बचा हुआ है, रात होने वाली है। बेड बनाने के लिए 3 सेम कलर की भेड़ चाहिए और पहली भेड़ मेरे को मिल चुकी और इसको मैंने मार दिया जान से, और पहला ऊन मेरे को मिल चुका। बट अब मेरे को 2 भेड़ और चाहिए। भेड़ मेरे को दिख ही नहीं रही भाई, यहाँ पे एक ही भेड़ थी क्या? तो ऊपर जाके देखते हैं, क्या पता भेड़ मिल जाए। और यहाँ पे भी भेड़ नहीं है भाई, क्या करूँ, मेरे को भेड़ नहीं दिख रही भाई, भेड़ नहीं है क्या? पहला दिन कैसे सर्वाइव करूँगा मैं? अगर मैंने पहला दिन सर्वाइव नहीं करा तो मेरे को प्याज खाना होगा। भेड़ नहीं मिल रही, ओ मेरे को भेड़ मिल चुकी है सेम कलर की, वो भी 2, एक और देख लेंगे। तो मैं इनको मारने वाला हूँ, तो क्या मैं आपको मार सकता हूँ? मना कर रही है, बट मारूंगा मैं, ख़त्म कर दो इसका खेल। टाटा बाय बाय, थैंक यू ऊन देने के लिए, और तू बीच में आ गई तो तेरे को भी ख़त्म कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। OMG 2 ऊन मेरे पास हो चुके, क्या मैं आपको मार सकता हूँ? ओ हो हाँ बोल दिया भाई, अब तो इसको कंप्लीट कर दिया जाए, लेट्स गो। ये तो 3 ऊन मेरे पास आ चुके, और अभी अपन निकल चुके लकड़ी काटने के लिए, क्राफ्टिंग टेबल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले ओक लोग को यहाँ पे रखो, और मेरे को मिल गए काफ़ी सारे प्लैंक्स, 24 प्लैंक्स मैंने कन्वर्ट कर दिए थे, और अभी बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। स्वागत है हमारे घर में। अब इस क्राफ्टिंग टेबल से कुछ भी मैं बना सकता हूँ, 6 बॉक्स आ गए, इट मीन्स क्राफ्टिंग टेबल ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले बेड बनाया जाए, ओके मिल चुका मेरे को वाइट बेड, क्या बात है। बेड को रखते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक कर देते हैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट। अब मरने के बाद यहीं पे जिंदा हूँ मैं। और अभी आप बनाने वाले हैं काफी सारे हथियार, तो पहले मैंने स्टिक बनाई प्लैंक्स की, 12 स्टिक, क्या बात है। अभी बनाने वाले हैं पिकैक्स स्टोन को काट के, और मेरी एक्स बनने वाली है, ये स्वागत है। मोब्स को मारने के लिए तलवार, और अभी बहुत डर लग रहा था तो सो जाओ यार। अभी कोई है मेरे पीछे, सिट सिट सिट, कोई आ गया है, भागो भागो भागो, मेरी हेल्थ कम है और मैं भाग नहीं सकता तेज। एनीवे भाग के आके सो गए हम तो। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 में स्वागत हो। ये कल रात मेरे पीछे पड़ा था। वेल गाइस मैं अपनी फ्लैट जमीन पे आ चुका हूँ, और डे 2, एक तो यार खाने के लिए कुछ भी नहीं अपने बंदे के पास, तो मेरा बेड आ चुका है और यहाँ पे बहुत बड़ा बेस बन सकता अपना। तो मैं थोड़े स्टोन माइन करने वाला हूँ, तो अभी पिकैक्स से स्टोन माइन कर लेते हैं। OMG मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कर ली, पहले थोड़े स्टोन के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाए। तो लकड़ी काट लेते हैं यार, प्लैंक्स बनाएंगे इससे, या आई थिंक एक लकड़ी काटने में 5 सेकंड ले रहा है, अभी देखना, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई एक लकड़ी काटने में। लकड़ी का मैंने बनाया प्लैंक्स काफ़ी सारे, बहुत इतने सारे, और स्टिक भी थोड़ी कम हो चुकी है तो स्टिक बना लेते हैं। OMG अभी यहाँ पे अपन सेट करेंगे क्राफ्टिंग टेबल, और अभी मैं बनाने वाला हूँ स्टोन का पिक एक्स, में स्टोन और लकड़ी दोनों है, ये वेलकम, वाओ क्या बात है। और ऊपर गाइस मैंने थोड़ा कवर कर लिया था, और यहाँ पे जाके आप माइन करेंगे आयरन और डायमंड। अंधेरा बहुत हो चुका है, सीट मेरे को डर लग रहा है यार, अंदर डर लगता है मेरे को अंधेरे से। तो लाइट मेरे को चाहिए, लाइट के लिए कोल चाहिएगा, कोल कहाँ से लाए अब, आज का दिन ख़त्म ही होने वाला है। और भाई मैं अभी, मेरे पास खाना नहीं है, तो सबसे पहले भट्टी बना लेते हैं, काफ़ी सारे स्टोन मेरे पास है, तो वेलकम। यहाँ पे अभी डिजाइन कर देते हैं और खाना पकाते हैं भाई। तो ऊपर मैंने रो चिकन रख दिया जो जानवरों को मार के लाया था, नीचे जलाने के लिए मैंने लकड़ियाँ रख दी काफी सारी, फाइनली ये। अब तो कुक वाले फूड को आराम से बैठ के अपने बंदे ने खाया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, डे 3 में स्वागत है। तो अपनी गुफा में लाइट नहीं थी, लाइट के लिए कोल चाहिए, और कोल के लिए मैं आ चुका था एक और नई केव में। यहाँ पे मेरे को केव दिखी तो है, वो पीछे कोई है क्या? नहीं, मैं ऊपर से गिर गया था। चलो 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 भाई साहब, इस केव में आई थिंक मेरे को तो नहीं लगा कुछ मेरे को मिलेगा। वैसे गाइस मैंने थोड़ा सा ये वर्ल्ड पहले खेला था, सीरीज स्टार्ट करने से पहले, और मैंने कोल यहाँ पे मैं बनाया भी था। अंधेरा बहुत है भाई इधर, भाई चलो चलो, कोई हो तो नहीं है वहाँ पे। OMG भाई, मैंने बोला था मैंने इस गेम को पहले थोड़ा सा खेला था, और मैंने एक आधी लाइट बना के मैं केव में आया भी था, तो ये वही जगह है, मैं वहीं पर आ गया था।
कोई ना भाई, तो मेरे को यहाँ पे कोल मिल चुका है। वेल, तो कोल को तोड़ते हैं। एक कोल, दो कोल, भाई कोल के नीचे कोल हो सकता है क्या? ओ भाई साहब, कोल के नीचे कोल, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। 25 दिन में मेरा घर बनेगा और पैसा भी डबल होगा। 25 दिन में पैसा डबल? ओ नीचे भी कोल है इसके, क्या बात, ऊपर भी कोल है यार। ओ भाई साहब, मैं क्या बोलूं, इसके नीचे भी कोल है, इसके नीचे लास्ट है ये। हाँ, बहुत कोल मैंने माइन कर लिया। इतना हो सकता है आपको पता है, 32 कोल भाई, इतना मेरे पास स्टोन नहीं है, इतना कोल है, क्या बोलूं मैं क्या बोलूं। तो अभी यहाँ पर चलते हैं जल्दी से घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भूत भूत भी आ सकते हैं, तो डर तो मेरे को लग रहा है। और ऊपर अभी जाए कैसे, डर्ट अपना काम देगी। और गुड बाय, मैं जा रहा हूँ गुफा से। बहुत वक्त लग चुका था कोल माइन करने में, और अभी रात होने वाली है, डे 3 कंप्लीट हो जाएगा भाई। अब बनाते हैं टॉर्च। तो सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल पे आते हैं, और यहाँ पे मैं टॉर्च, ये रही टॉर्च, कोल भी है, स्टिक भी है, तो लेट्स गो। 4 टॉर्च बन चुकी थी, 8 टॉर्च, 12 टॉर्च तो बहुत है, और एक पिकेक्स की पावर थोड़ी सी कम है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ भूल रहा हूँ मैं, बेड भूल रहा हूँ भाई। अभी मैं 2-3 दिन तक अंदर वापस ऊपर नहीं आऊँगा, मैं बेड लेके वहीं पे सो जाऊँगा। चलो ओके, माइनिंग करने चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ी लाइट भी लगा देते हैं। कुछ लाइट मैं अपने हाथ में ले लूँगा। ओ भाई साहब, अब सही है मेरे को ना, मेरे हाथ में लाइट हो गई, एक मैं बीच में भी लगा दूंगा ताकि वापस ऊपर आऊँ तो कुछ दिखे। तो माइनिंग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो गाइस। तो आई थिंक बहुत देर हो चुकी है माइनिंग करते करते, और भाई अभी पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं, कितनी देर हो चुकी है मेरे को। सिट यार, लिटरली मैं अभी, ओ एमजी, कोल मिल चुका है मेरे को। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, छोटा सा रूम बना लेता हूँ, और यहाँ पे बेड और मेरी चेस्ट, ताकि भाई मेरे जितना भी कोल है वो चेस्ट में आराम से रख सकूँ। वेल, मेरा छोटा सा रूम बन चुका है, डोरेमोन जैसा लग रहा है। और अभी यहाँ पे स्कोर बढ़ा। ओ भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी केव, यहाँ पे मॉब्स मेरे को दिख रहे हैं, बहुत खतरा भी हो सकता है इधर, तो बंद करते हैं इसको। वेल, तो मैंने इसको कर दिया बंद, ऊपर लगा दी लाइट ताकि पता लगे यहाँ पे केव है। यहाँ पे मैं नीचे और माइनिंग करता हूँ, केव में नहीं जाने वाला भाई, केव में बहुत खतरा हो सकता है। चलो, अगर मैंने आज मैं आयरन नहीं ढूंढा तो भाई मैं चैलेंज हार जाऊँगा। ऊपर चलते यार, आई थिंक डे 4 स्टार्ट हो चुका है गाइज, मेरे को आज मैं आयरन ढूंढना है, तो क्या मैं आयरन ढूंढ पाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे को वही केव दिख रही है, और वहाँ पे काफ़ी सारे भूत हो सकते हैं। भाई मेरे को आयरन चाहिए, टाइम काफ़ी कम है। ओ एम जी, एक तो वो रहा भाई, बहुत मारता है वो। यू भाई, ये बहुत गंदा मारता है यार, ये तीर वाला बहुत गंदा मारता है। नहीं यार, मैं नहीं जाने वाला। तो अभी कोल मेरे पास 33 है, तो चेस्ट मैंने बना ली थी प्लैंक्स का यूज करके, और इसके अंदर मैं काफी सारे कोल रखने वाला हूँ। बहुत याद आएगी कोल तेरी, अब तो तू बड़ा हो गया ना भाई। तो अभी चलते हैं केव के अंदर। ओ एम जी भाई, खतरा बहुत है, और आज मेरे को करना पड़ेगा आयरन, मेरे को करना ही है। अगर आयरन माइन नहीं करा तो कुछ भी माइन नहीं करा मैंने। ओ एम जी भाई, बहुत खतरा उधर, लिटरली एक और आ गया भाई, अंदर जाया जाए कि ना जाया जाए। वेल, मैंने थोड़ा सा रास्ता वैसे बनाया तो है, और ये वाला थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है चैलेंज, बट आपा हार नहीं मानने वाले। ओ भाई, सीढ़ी सही लगी है। अभी आगे कैसे जाऊंगा मैं? लो जी, नेवर टेल योर नेक्स्ट मूव। वाओ, अभी यहाँ पे कैसे जाया जाए? ओ सही आइडिया भाई, दिमाग तो तेरे भाई में बहुत है। लो जी, तो अभी यहाँ पे भी आप ऐसे कुछ बना लेते हैं। वेल अगेन, नेवर टेल योर नेक्स्ट मूव। भाई साहब, फाइनली मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, बट ये बहुत नीचे मेरे को जाना है, और अंदर सीरियसली नीचे बहुत खतरा है। भाई साहब, कैंपिंग कर रहे हैं साले। चलो भाई साहब, चलो चलो। अरे मेरे को यहाँ पे एक केव मिल रही है, और यहाँ पे काफी सारा कोल दिख रहा है भाई। माइन कर लो, जल्दी से इसको माइन करो। ओ एम जी, 33 कोल मैंने माइन कर लिया, मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा। एनीवे, चलते हैं अपने घर, और यहाँ पे बहुत अंधेरा है, सामने मेरे को कुछ दिख रहा है। भाई मेरे को मार सकते हैं वो लोग, बट मेरे को मरना नहीं है, और अगर मर गया तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। एक लाइट लगाया जाओ भाई, ये दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको मारे। अरे बहुत गंदे लगते हैं मेरे को ये। हेलो, हाउ आर यू? तो मैं अपने घर आ चुका हूँ।
अभी गाइज सबसे पहले चेस्ट में काफी सारा कोल जमा करो, 33 कोल। तो अभी सोए या फिर आगे की प्लानिंग करें, आगे चलते हैं भाई। बड़ा गंदा यार ये। OMG गाइज मैं वहीं पे वापस आ चुका हूँ और अभी मैं देखो इस गुफा में तो आगे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो यहीं पे आप माइनिंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं, मेरे को तो सही लगता है। लेट्स गो, चलो भाई साहब। अभी मेरी स्पीड काफ़ी कम है बट आगे मैं स्पीड बढ़ा लूँगा। तो यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ और लाइट बहुत महंगी होती है, कोल से बनती है भाई ये। एक कोल लगता है इसके अंदर। वेल ओ भाई, मैं माइनिंग करते करते कोर केव में पहुँच चुका हूँ और अभी आ चुका हूँ इस केव की। और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, एक काम करता हूँ पहले टॉर्च लगाओ। ओ भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ, चलते हैं। ओ सीट, मेरे को आयरन मिल चुका है ये भाई। मैं क्या बोलूँ, मेरे को आयरन मिल चुका है, बहुत खुश हूँ यार। इतने दिन बाद मेरे को आयरन दिखा और मैं ऊपर सूरज भी नहीं देखने गया। ओ नीचे और आयरन है भाई, मैं क्या बोलूँ। लिटरली इसके नीचे और आयरन होगा क्या? नहीं, आयरन के नीचे कभी आयरन नहीं होता। ओ भाई साहब आयरन मिल चुका है, दो आयरन मेरे पास हो चुके हैं भाई। बहुत दिन इसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अभी आयरन माइन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई और तो नहीं है ना, आराम से माइन कर सकता हूँ मैं। क्या पता कोई भूत आके पीछे से मार दे। लो जी यहाँ पे 4 आयरन और 2-6 आयरन मैंने माइन कर लिए। चलो रो आयरन है मेरे पास 7। अब इसको आयरन में कन्वर्ट करने के लिए बनानी पड़ेगी भट्टी, और भट्टी के लिए फर्नेस बनाता हूँ ये री। और ये तो काफ़ी चाहिए, 6-7 स्टोन चाहिए। तो इसको यहाँ पे कर दिया जाए सेट, लेट्स गो। और सबसे पहले अपने पास है 7 आयरन, तो ऊपर आयरन रखेंगे। और नीचे जलाने के लिए मैं क्या रखूँ, कोल पड़ा हुआ तो कोल ही रख लेते हैं। लेट्स 64 कोल है यार, तो अभी मेल्ट होने में 4 सेकेंड लेगा ये। 4, 3, 2, 1। नहीं यार मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया। एनीवे लो जी आयरन आ चुका भाई। लिटरली भाई इसको देखने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत कर रही है। सारे आयरन को ऐसे मेल्ट कर देता हूँ। तो आयरन की पिकेक्स के लिए 3 आयरन 2 स्टिक चाहिए। वेल आयरन की पिकेक्स आ चुकी है बनके, क्या बात है। और अभी देखो मैं बहुत जल्दी पत्थर काट सकता हूँ, तो आज मेरे को सारा सामान आयरन का बनाना है। चलो करते हैं मेन केव अपनी माइनिंग। OMG भाई आयरन का चेस्ट बनाना है, जूते हेलमेट सब कुछ बनाना है और मेरे को गोल्ड भी माइन करना है। तो आज जीतना ही चैलेंज है। नीचे चलते हैं केव के अंदर, और बड़ी गंदी केव है भाई ये। यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स होने वाले हैं। क्या मैं मॉब्स को मार पाऊंगा आज में, क्या मैं गोल्ड आयरन। ओ ओ ओ ओ चलो चलो चलो, इसको तो मैं अभी देखो 10 सेकंड में निपटा दूंगा। अभी देखो एक इसका भाई आ चुका रे, 20 सेकंड कर दो टाइम ले। कहाँ पे जाएगा? ओ भाई सारे घर वाले आ चुके हैं क्या, ये तू कहाँ जाएगा ले। ये थिंक ये बच्चे के मम्मी पापा है वो जिसको मैंने मारा था। ओ भाई इसको तो ले ले, आयरन के स्वॉर्ड है मेरे पास। सालो तुम्हारी औकात भी नहीं मेरे से लड़ने की, कहाँ पे जाएगा तू बिड़ू ले। ये गया और ये फटेगा, आई थिंक फटता है बट अभी नहीं फटा। ये क्या चक्कर है भाई? हेलो तू फटा क्यों नहीं? मेरे को नीचे आयरन दिख रहा है भाई, मैं क्या बोलूँ मैं। आयरन तो मिल चुका है जो भाई साहब, भाई बहुत दिन बाद मिला और यहाँ पे आयरन ही आयरन है लिटरली भाई। तो गाइज मैं बहुत आयरन माइन करके ले आया। अभी गाइज आयरन का कवच बनाने की सोच रहा हूँ मैं, इतना सारा आयरन, लेट्स गो। कवच बन चुका मेरा आयरन का, अभी मैं सबसे ताकतवर बन चुका हूँ। फाइनली मेरे सपने साकार हो गए। ओ भाई बंदे को कपड़े मैंने पहना दिए हैं, क्या बात है भाई। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़िया लग रहा भाई मेरा बंदा। और इसी माइनिंग में यहाँ पे चलते हैं। ये रहा आयरन, इसको तोड़ो। और इसके नीचे आयरन पहली बार देखा मैंने। तो आयरन की पेंट आ चुकी है ये भाई, तो इसको अभी पहनाते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। तो आयरन की बकेट भी बना लेते हैं, आयरन बहुत आ चुका है मेरे पास। तो आयरन के सूज भी हम लोगों ने देखते देखते बना लिया है। OMG अभी देखो यहाँ पे आयरन और आयरन मेरे को मिल चुका है। अभी बस एक हेलमेट बनाना भाई, और 1-2 आयरन और चाहिए मेरे को। ऊपर क्या है? गोल्ड। तो गाइज इस गुफा में सब कुछ मिलेगा मेरे को, आयरन गोल्ड डायमंड। यहाँ पे लावा बहुत खतरनाक है भाई, जाना भी नहीं है मेरे को। भाई साहब गोल्ड को मेल्ट कर रहा हूँ मैं, 5 सेकंड में हो जाएगा ये। थोड़ा सा प्रेडिक्शन, चलो एनीवे गोल्ड बन के आ चुका है मेरा भाई। अभी और गोल्ड माइनिंग करते हैं।
तो वेलकम माय होम। लो भाई अपने बंदा पूरा सेफ है यार, मैं क्या बोलूँ, इतना पावरफुल बंदा भाई साहब। अब सब कुछ मेरे पास आयरन का और गोल्ड का हो चुका है, बहुत दिन बाद ऊपर आया हूँ मैं। तो वेल गाइज, अगले वाले वीडियो में अपन फार्म हाउस बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, और आज के लिए इतना ही। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।